Rediffusionnetwork.com विश्वास वही रफ्तार नहीं। समूचे देश को गणतंत्र दिवस परेड का इंतजार है। कोरोना संकट में पहली बार दिल्ली के राजपथ पर होने जा रहे गणतंत्र दिवस परेड में बहुत कुछ खास देखने को मिलेगा। कोरोना संकट को लेकर परेड में कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। कोरोना संकट में गणतंत्र दिवस समारोह में अतिथियों और दर्शकों की संख्या कम रहेगी। पहले रिपब्लिक डे परेड देखने के लिए 1 लाख से ज्यादा लोग मौजूद रहते थे, इस बार लोगों की संख्या 25,000 तक होगी। जितनी सीट होगी उतने लोगों को बैठने की इजाजत मिलेगी। परेड के लिए एंट्री और एग्जिट गेट की संख्या बढ़ाई जाएगी। समारोह स्थल पर कोविड बूथ बनाए जाएंगे। हर गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर की सुविधा होगी। परेड के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना और मास्क लगाना जरूरी रहेगा। पहले परेड विजय चौक से लाल किला तक जाती थी, इस बार परेड विजय चौक से नेशनल स्टेडियम तक सीमित होगी। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल दस्ते में 96 लोग रहेंगे। परेड में छोटे और दिव्यांग बच्चे हिस्सा नहीं लेंगे। 15 साल से ज्यादा उम्र के स्कूली बच्चे ही परेड में शामिल हो सकेंगे। भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट्स में से एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ परेड में हिस्सा लेंगी। भावना कंठ परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनेंगी। MiG-21 बाइसन उड़ाने वाली बिहार की बेटी भावना राजस्थान में पोस्टेड है। भारतीय वायुसेना का राफेल फाइटर जेट परेड का मुख्य आकर्षण होगा। फ्लाईपास्ट का समापन राफेल के वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन से होगा। वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन में फाइटर जेट कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए सीधे ऊपर जाते हैं और बाद में एक ऊंचाई पर स्थिर हो जाते हैं। 1966 के बाद पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह में दूसरे देश के मुख्य अतिथि शामिल नहीं होंगे। ब्रिटेन के PM बोरिस जॉनसन ने मुख्य अतिथि बनने की हामी भरी थी, लेकिन ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन मिलने के बाद उन्होंने दौरा रद्द कर दिया। पहली बार अंडमान निकोबार द्वीप से 172 मद्रास का दस्ता परेड में शामिल होगा। इसमें 95% सैनिक स्थानीय जनजातियों के हैं। हमारी इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।